तो लास्ट लेक्चर में यही सब डिस्कस कर रहे थे बच्चा हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स पीरियड एटॉमिक नंबर के थ्रू या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर है सबको बच्चा लोग? तो क्या था बेटा रोल्स, किसके सीक्वेंस से अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 यही सीक्वेंस फॉलो करना था ना बेटा। 32 ये फर्स्ट पीरियड को, ये सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन पीरियड, यही था ना बच्चा लोग? हेलो। उसके बाद जो लास्ट पीरियड रहता था उसका, उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मान लेते थे बेटा, एक्स। तो ग्रुप वन और टू हुआ तो एक्स, एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वन और टू। वन और टू में लास्ट पीरियड में वन और टू इलेक्ट्रॉन हुए तो एस ब्लॉक टू से ज्यादा हुए तो थर्ड पीरियड तक था ना बेटा, थर्ड तक। अगर टू से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, प्लस टेन कर लेते थे। फोर और फाइव के लिए क्या करते थे बेटा, जो एक्स है वही हमारा पीरियड बताएगा, वन है तो वन पीरियड फोर और फाइव में। अगर सिक्स और सेवन पीरियड होता था तब क्या करते थे बेटा, याद रखना पड़ता था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहाँ से, और उससे ज्यादा 17 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तब 14 माइनस करते थे। यही था ना बेटा रोल्स। हेडिंग नोट करो बेटा, आज न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, आयुपिक नोमेनक्लेचर, ठीक है ना बेटा? हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, आईयूपीएसी मतलब आयुपिक, आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट सुपर हेवी एलिमेंट बोलते हैं इनको, सुपर हेवी एलिमेंट। सुपर हेवी एलिमेंट मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर जो जेड है वो क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ज्यादा हो उनके लिए ये एक यूज किया जाता है बेटा। बस सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा रूल से याद रखो बेटा। करना क्या है, वन लिखा होगा, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो, वन, टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो जीरो हुआ तो वहां पे वर्ड यूज होगा नील, ठीक है ना बेटा। वन हुआ तो अन, टू हुआ तो बाय, थ्री हुआ तो ट्राई, फोर हुआ तो क्वाड, फाइव हुआ तो पेंट, इसमें हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इसमें एन, डबल एन है ना, ये वर्ड यूज होगा। नोट करो जल्दी से, I, U, M, suffix,
यूज्ड इन नेम ऑफ फिलामेंट. नोट कर लिया बच्चा लोग? नोट डाउन किया बच्चा लोग? ए और बी पॉइंट्स. तो देखो बच्चा लोग 101 है, तो 1 के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा बेटा? नील. अन 0 के लिए नील, 1 के लिए अगेन अन. तो पूरे को मिलाएंगे तो सफिक्स क्या लगेगा बेटा? ई एम. तो सभी को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? अन नील अन ई एम. ठीक है ना बेटा? नेम क्या हो जाएगा? अन नील अन प्लस ई एम. तो अन नील नीनियम. तो इसका सिंबल क्या होगा बेटा? अगर मैं बात करूं इसका सिंबल का, सिंबल भी पूछता है ना बेटा. इसका सिंबल बोलूं तो क्या होगा बेटा? इसका फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर. नेम हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंबल क्या होगा बेटा? यू एन यू. तो देखना पीरियोडिक टेबल में इस फॉर्म में लिखा होता है कि नहीं बेटा, रहता है ना जी? यस सर. इसका नेम क्या होगा बेटा? 1 है तो अन, 0 है तो नील, 2 है तो बाय और ई एम. तो क्या नेम होगा बेटा इसका? अन नील बी एम. डबल एक साथ दो आई नील ना. तो क्या होगा बेटा इसका सिंबल? यू एन डी. कर लोगे इसका सबका? कंप्लीट करो जल्दी. सर. हाँ बेटा. सुपर हैवी एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्या? स्ट्रांग का बात हैवीनेस से नहीं होता बेटा. अगर मिट्टी पत्थर से ज्यादा हैवी हो गया तो क्या मिट्टी पत्थर से स्ट्रांग होगा? नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा. कैसा है हैवीनेस तो डेंसिटी के कारण भी आ सकती है. तो क्या ये सही में उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कुछ इनमें से कोई? नहीं, स्ट्रांग होना इससे रिलेटेड नहीं है ना बेटा. स्ट्रांगनेस भारी होते ही है. सुपर हैवी मतलब बस भारी और कुछ नहीं. हर कोई भारी चीज है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रांग होगी. सर तो इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कौन सा है फिर? स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कौन सा है? बोला तो जाता है प्लेटिनम को. उसीलिए उसके पार्ट्स यूज होते हैं बेटा एयरक्राफ्ट में. सर तो ऐसे तो टाइटेनियम की दीवारें भी बनती हैं और हाँ टाइटेनियम और स्टील कई जगह पे यूज होता है बेटा. जो ज्यादा हार्ड होते हैं, जो ज्यादा हाँ मतलब हार्ट भी हो, मतलब हार्ट जो होते हैं बेटा उन्हीं का यूज होता है ना अच्छे अच्छे चीजों में. अब रॉकेट में बेटा अगर स्टील का लेके गया कहीं बीच में कुछ हो गया तो? सर इस हिसाब से तो कंजेस्टन भी काफी अच्छा होता है क्योंकि वो तो जलता ही नहीं. अच्छा, जल्दी जलता नहीं तो बेटा सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है ना भाई. चलो नोट करो. अब स्टील हार्ड होता है, लोहे से थोड़ी ना हार्ड होता है बेटा. हार्ड अलग हो जाता है और क्या बोला जाता, क्या बोले अब उसको हम. हर चीज जो हार्ड है इसका मतलब वो नहीं है कि बेटा मतलब वो ज्यादा ही हार्डेस्ट हो, मतलब हैवी हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है ना बेटा? यस सर. सर डायमंड तोड़ना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि डायमंड कार्बन का सबसे प्योर एलोट्रोप है
और काफी स्ट्रॉन्ग भी है, बराबर है? हाँ बिल्कुल। तो कोई ऐसा एलिमेंट या मेटल जो उसके आसपास की स्ट्रेंथ या उसके आसपास का टफनेस कुछ ऐसा? देखो एलिमेंट की बात करोगे ना बेटा, एलिमेंट अलग हो जाता है, मेटल अलग हो जाता है, ठीक है ना। एलिमेंट बोलोगे तो डायमंड लोगे, कार्बन का एलोट्रॉप, ठीक है ना बेटा, कंपाउंड हो गया वो। अगर मेटल बोलोगे तो यही क्वेश्चन चेंज आता है। कैसे सर? बेटा एलिमेंट अलग होता है, मेटल अलग होता है। एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हार्डेस्ट एलिमेंट बोलोगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में चल जाओगे, डायमंड, ठीक है। और मेटल बोलेंगे तो अलग आंसर आएगा बेटा। ओके सर। सर लास्ट में सिंबल कौन सा आएगा बताओ? वही तो कंप्लीट करना है तुमको, हम बताएंगे ना, पहले कंप्लीट तो करो। डन सर। करने तो सब को कर ले बेटा। नील, उसके बाद इसके लिए क्या होगा बेटा? ट्राई ईएम, तो नेम क्या होगा बेटा? अन नील ट्रियम यूएनटी, ठीक है बेटा। इसका नेम क्या होगा फोर्थ वाले का? अन नील पार्डियम यू एन क्यू, इसका सिंबल क्या होगा बेटा? यू एन पी यू एन एच यू एन एक्स है ना, के लिए क्या था बेटा? इन ई, और ये क्या होगा बेटा? यू यू एन लास्ट का। तो बना लोगे सबका नेम बेटा? यस सर। सबको यही आया था बेटा? यस सर। यस। क्लियर है बच्चा लोग? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सुपर हेवी एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पूछ रहा था बच्चा? एलिमेंट, सॉरी हार्डेस्ट। अगर एलिमेंट की बात आया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स डायमंड बेस्ट होगा बेटा, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गेस्ट की बात किया जाए तो बेटा प्लेटिनम भी नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट में आपका आएगा टाइटेनियम और हार्डेस्ट में आएगा क्रोमियम, ठीक है ना। और भी हैं साथ में लेकिन इनको ज्यादा प्रिफर किया जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डनेस हेवी, इनका रिलेशन अलग अलग है ना बेटा, कि हार्ड होने से यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा या फिर हार्डेस्ट हो जाएगा,
तो ये था आयुपेक नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना बेटा? यस सर। और स्ट्रॉन्गेस्ट और लाइट वेट में प्लेटिनम ना, तो बन जाएगा सभी से, किसी को कोई तकलीफ बेटा? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन टाइप का था, पीरियोडिक टेबल का, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? यस सर। पक्का? यस सर। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग नोट करो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं ना बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, हेडिंग नोट कर लिया बच्चा लोग? यस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने से तुमको ये समझ में आ गया होगा बेटा, सबका अगर एक ग्रुप में है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक जैसा होता है कि नहीं होता बेटा? होता है ना। एस ब्लॉक का ग्रुप वन है तो सबके एस ब्लॉक ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट है सबके एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? वन। अगर बेरिलियम की बात करो, बेरिलियम, मैग्नेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो सबके एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? टू। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है बस ऑर्बिट अलग अलग है, तो बेटा कहीं ना कहीं तो सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा बेटा? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मिलने का रीजन क्या है बेटा? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फॉर्म मिलने का रीजन क्या है बेटा? एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, एलिमेंट का क्या किया जाए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक जैसा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बेटा? मिल रहा है ना जी सबको, चाहे एस ब्लॉक ग्रुप वन है तो उसमें सब में एस में वन इलेक्ट्रॉन, ग्रुप टू हो तो एस में टू इलेक्ट्रॉन, पी है तो पी में वन इलेक्ट्रॉन, अगर 13 है तो पी में वन इलेक्ट्रॉन, 14 है तो पी में टू इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का में पीरियोडिसिटी मिला, तो वैसे ही प्रॉपर्टीज में भी पीरियोडिसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हमको जो जो मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, अब देखो यहां से समझने वाला चीज है बेटा, अब बड़े सिंपल सिंपल से, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। बी इसका जो देखेंगे बेटा, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, ये किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक रेडियस पर।
एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इसके अंदर कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे बेटा। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के अंदर भी टू टाइप, आयनिक एंड आयनिक एंड आयनिक रेडियस, या फिर रेडियस कर लेते हैं उसके अंदर एटॉमिक, कैटायनिक, एनायनिक। फैक्टर निकले हैं चार, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद डिस्कस करेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दोनों साथ में देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इतने सारे चीजें डिस्कस करने वाले बेटा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, क्योंकि इनमें बहुत सा एक्सेप्शनल है। लेकिन इन चारों को समझने के लिए इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। तो सी डी ई और एफ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ए और बी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। और ये चार सी डी ई एफ, ठीक है, इनके क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे आपको, और यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत मिलने वाले हैं बेटा, उनको याद भी रखना साथ साथ। बेटा सिलेबस ग्रुप में सेंड कर दिया गया है पेपर का, नोटिफिकेशन काहे नहीं रीड करते हो, भेज दिया गया ना बेटा ग्रुप में? यस सर, यस सर, यस सर, बट वहां पे लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1 एंड 2, तो सर इसका मतलब फाउंडेशन 1 और 2 के लिए दो है ना, फाउंडेशन 1 2 है, फाउंडेशन 1 के लिए भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फाउंडेशन 2 के लिए भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है ना बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, वहां पे फाउंडेशन 1 2 इसलिए लिखा है कि वहां मतलब दो बैच है ना फाउंडेशन का, दोनों में टेस्ट है, दो नहीं तीन बैच है, जिसमें से दो बैच में टेस्ट है।
नोट किए बच्चा लोग? यस सर। यस सर। एक एक करके सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, बताओगे मुझे? जीरो चार्ज। ना मुन्ना, तुम तो पूरा पढ़ाई का बोस थ्योरी को, रदरफोर्ड थ्योरी को भूल ही गए। फिर पॉजिटिव भाई कैसे तैसे कर दिए बेटा। न्यूक्लियस पे दो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, होते तो और भी हैं सब न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल, एक है न्यूट्रॉन, दूसरा क्या है बेटा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे टू पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल क्या है बच्चा? प्रोटॉन। हम लोग बात कर रहे बेटा, न्यूट्रॉन का तो जीरो चार्ज है, तो चार्ज होगा ना न्यूक्लियस पे बेटा, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के थ्रू क्या चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियस पे होता है बेटा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब इनडायरेक्टली वो किसको बोल रहा है बेटा? चार्ज ऑन प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज मतलब इनडायरेक्टली किसको बोल रहा है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज मतलब इनडायरेक्टली वो किसको बोल रहा है बच्चा लोग? चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है ना बेटा। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा बेटा? यस सर। तो ठीक है ना बेटा, तो न्यूक्लियर चार्ज एक तरह का क्या, अट्रैक्शन फोर्स है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स, जो किसके थ्रू फॉर्म हुआ है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स, जो किसके थ्रू फॉर्म हुआ है बेटा? प्रोटॉन। प्रोटॉन के कारण, वेरी गुड। ठीक है ना बेटा, किसके कारण फॉर्म हुआ है? प्रोटॉन। तो बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन एज अ अट्रैक्शन फोर्स, सही है ना बेटा? सही है कि नहीं? Yes. नोट करना डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच बेटा? बिटवीन न्यूक्लियस एंड या फिर प्रोटॉन कर लेते हैं, प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको लाइन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। It is defined as the attraction force between proton of nucleus and electron. An electron. ठीक है ना बेटा? Yet the attraction force which is present between proton of nucleus and electron is called effective nuclear charge. ये भी statement correct है बेटा? तो सिंपल से स्टेटमेंट नोट करवा दिए है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो किसके बीच होता है बेटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा?
जेड इफेक्टिव। प्रोटॉन किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रोटॉन कैसे पता चलता है? अगर किसी एलिमेंट में अगर प्रोटॉन आइडेंटिफाई करना है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसलिए वहां पे जेड टर्म यूज हुआ है, ठीक है ना बेटा? इसलिए वहां पे कौन सा टर्म यूज हुआ है? जेड। और इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा, जेड इफेक्टिव निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना बेटा? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं स्केलिंग कांस्टेंट, ठीक है? सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? जेड मतलब एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इक्वल टू स्केलिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा? तो इसको अलग से बताएंगे टॉपिक, ये इफेक्टिव, और इसके बाद अलग से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट किया जाए जेड इफेक्टिव। तो इट इज डिफाइंड एज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय जेड इफेक्टिव। क्लियर है बेटा? अब इतने रखने के बाद इसका ट्रेंड याद रखना बेटा। ठीक है ना बेटा, इसको क्या याद रखना है? ट्रेंड। तो कभी भी क्वेश्चन आया बेटा जेड इफेक्टिव के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन आया बेटा जेड इफेक्टिव, या जेड इफेक्टिव को कोरिलेट करना किसी इन प्रॉपर्टीज सी डी ई एफ में, यहाँ पे यूज करना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जेड इफेक्टिव मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा बेटा? प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस पे जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा अट्रैक्शन। तो हम लोग ट्रेंड कहाँ देखते हैं? पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आएंगे मतलब अप टू डाउन। अप टू डाउन किसमें चला जाता है बेटा? ऊपर से नीचे आना मतलब ग्रुप में चल रहे हैं, ग्रुप में कैसे चलेंगे बेटा? अप टू डाउन, ठीक है? अब पीरियड में कैसे चलेंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट। पीरियड में कैसे मूव करेंगे बेटा हम लोग? लेफ्ट टू राइट। लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट में राइट टू लेफ्ट, डाउन टू अप भी बोल देता है, तो समझ लेना बेटा, ठीक है ना? तो आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा बेटा, तो सबसे ऊपर में कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा? उसके बाद कौन सा है? लिथियम, सोडियम, yes. है कि नहीं है बेटा? यस। हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिट हैं जी? वन। लिथियम के पास? टू। जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ेंगे। और नीचे वाले को हम बना लेते हैं बहुत सारा ऐसे, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? चलो, और इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा? याद रखना एटम का जो साइज है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा बताएंगे, ये इमेज दिमाग में बैठा लेना बेटा। यहाँ पे भी टू ऑर्बिट है, यहाँ भी टू ऑर्बिट है, लेकिन साइज क्या हो जाएगा बेटा? सिकुड़ जाएगा। ऑर्बिट तो उतना ही है, लेकिन क्यों बताएंगे? तो याद रखना बेटा, अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले मुझे ये बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्यों होगा बताते हैं हम, ठीक है ना बेटा? और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। इंक्रीजेस, ठीक है ना? ये एकदम रटा होना चाहिए। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड क्या होना चाहिए बेटा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड अप टू डाउन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखो रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है बेटा? पहले देख लो, लिथियम, ठीक है ना बेटा? नोबल गैस को हटा दो, नोबल गैस से पहले की बात करूं मैं, कौन सा एलिमेंट है बेटा? फ्लोरीन। कितने प्रोटॉन है बेटा इसके पास? लिथियम के पास, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है जी? थ्री। और फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है? नाइन, है कि नहीं बेटा?
क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है 9 और लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है बेटा 3। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिमाग में बैठा लो, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. सबको क्लियर है इतना? अब देखो बेटा होता क्या, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है बेटा, खींच रहा है कि नहीं? तो अरे भाई प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, एक दूसरे को खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे बेटा? अब खींचेंगे सर। न्यूक्लियस पे खींचने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं बेटा, पहले एक थे, दो थे, तीन से नौ हो गए, तो न्यूक्लियस पे खींचने वाले ग्रुप बढ़े कि नहीं बढ़े बेटा? यस सर। तो बेटा डिस्टेंस ऑर्बिट तो अभी भी दो ही है बेटा, कितने ऑर्बिट है अभी? दो, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, लेकिन यहाँ पे खींचने वाले लोग कितने होंगे बेटा 9। तो क्या होगा बेटा, साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन को खींच के सामने ला लिया तो साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा। ये दिमाग में बैठा लो। तो राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, नीचे रिमेंस कॉन्स्टेंट क्यों आया बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ा लेकिन उसके साथ कुछ और चीज भी बढ़ा, बता सकते हो? ऑर्बिट, प्रोटॉन सर ने ऑर्बिट बढ़े, डिस्टेंस बढ़ता गया बेटा, ठीक है ना बेटा? तो दूरियां बढ़ेंगी तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा बेटा? लोग जितना दूर रहेंगे उनके बीच अट्रैक्शन उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, कम, मालूम है ना? तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से बहुत दूर हो गए बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन को उतना चार्ज फील हो रहा है क्या बेटा? नहीं होगा ना? तो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा बेटा, यहाँ पे इसका कोई लगाव ही नहीं है दोनों इलेक्ट्रॉन का, तो समझ में आया बेटा? इस चीज को याद रखना, जेड इफेक्टिव अप टू डाउन जब भी पूछा तो हमेशा क्या बोलोगे, रिमेंस कॉन्स्टेंट। एक फैक्टर एटॉमिक नंबर से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के थ्रू बढ़ रहा है, बट ऑर्बिट के कारण घट रहा है बेटा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझ लो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना बेटा? तो इफेक्ट ना के बराबर रहेगा, मतलब रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चा लोग? तो ये डायग्राम दिमाग में बैठा लो, नीचे जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते मतलब गोला बढ़ेगा, इधर गोला सिकुड़ जाएगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? ये इमेज बहुत काम का है। यस सर। तो जेड इफेक्ट क्लियर है बेटा, सिंपल सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे है प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर लेके आएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज वाले हैं तो अट्रैक्शन तो होबे करेगा भाई, तो इसी अट्रैक्शन को यहाँ पे एकदम टेक्निकल टर्म दे दिया, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं है, अट्रैक्शन प्रोटॉन, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चा लोग? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब नोट, ये काम आएगा बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्स्ट। तो जेड इफेक्टिव मतलब क्या बेटा, जेड इफेक्टिव मतलब क्या समझे, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है ना? और न्यूक्लियस पे चार्ज किसके थ्रू आता है जी, प्रोटॉन बेटा, न्यूक्लियस पे चार्ज किसके कारण आता है, प्रोटॉन। तो जेड इफेक्टिव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिमाग में बिठा लो बेटा, जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, क्लियर है बच्चा लोग? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है बेटा, देखो इसको समझने के लिए क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन पे एटॉमिक नंबर कितना बेटा, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी जी। 17। वेरी गुड, 17, ठीक है ना बेटा? तो एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन समझ में आ गया बेटा, इसके पास 17 होगा, इसके पास भी प्रोटॉन 17 होगा, होगा कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी? एक कम हो जाएगा, 16। ये सब बहुत पहले बता चुके हैं कैलकुलेशन। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाएगा। तो बताओ किसमें जेड इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में? न्यूक्लियस पे 17 लोग हैं, देखो न्यूक्लियस पे 17 प्रोटॉन है, मतलब 17 लोग हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन को। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा? 17 प्रोटॉन खींच कितने लोगों को रह रहे हैं? 18। तो बताओ किसमें ज्यादा अच्छे से खींचने वाला काम हो पाएगा, अट्रैक्ट करने वाला काम हो पाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला। तो बोला ना पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, अगर एलिमेंट सेम हुए तब, नहीं हुए तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो ये होता है जेड इफेक्ट, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? ये रिलेशन एकदम इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, और जेड इफेक्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव कंसीडर एज जेड इफेक्टिव डिक्रीजिंग, ऐसा कर लो, डिक्रीजिंग for determination of different periodic properties, the value of J effective considered as a decreasing, consider as a decreasing for determination of periodic properties. The value of Z effective considered as a decreasing, consider as a decreasing, decrease के लिए हम down arrow बनाते हैं, ठीक है ना बेटा? In up to down in the group for determination all other properties, ठीक है ना बेटा? बाकी properties के लिए हम लोग लिख के तो रखे हैं, जेड इफेक्टिव एक्चुअल में होता है क्या, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन हमारे हिसाब से चलो तो जेड इफेक्टिव क्या मान के चलना बेटा? डिक्रीजिंग। जेड इफेक्ट के मान के क्या चल रहा बेटा? डिक्रीजिंग। तो कुछ प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा जो हम बोल रहे हैं? अगर कल को क्वेश्चन आया द ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्ट या चेंज इन जेड इफेक्ट अप टू डाउन, तो हमेशा आंसर कौन सा लिखोगे? रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कौन सा लिखोगे बेटा? रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बाकी के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे न्यूक्लियर चार्ज हो गया, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, और भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब उनके लिए जेड इफेक्टिव अप टू डाउन क्या मान के चलोगे बेटा? डिक्रीजिंग। अप टू डाउन क्या मान के चलना बेटा? डिक्रीजिंग। बट ये गलत है बेटा, याद रखना ये इनकरेक्ट है, लेकिन कभी कभी गलतियां भी कुछ सिखा देती है इंसान को। वैसे यहाँ पे ये इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है ना बेटा? पहले बता दे रहा हूँ ये करेक्ट नहीं है, हम लोग बस ऐसे मान के चल रहे हैं ताकि बाद के प्रॉपर्टीज में दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चा? लो नोट कर लो,
जो ब्रैकेट में रखा वो इनकरेक्ट है बेटा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में बहुत काम आएगा ये, नोट करो जल्दी। ये समझाने के लिए था, रहने दो इसको। तो जेड इफेक्टिव हमेशा प्रोटॉन के डायरेक्ट पर्सनल पॉजिटिव चार्ज है तो भी डायरेक्ट पर्सनल, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्सिव पर्सनल, ठीक है ना बेटा। अगर पूछा ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन वन, सीएल सीएल प्लस सीएल माइनस, तो क्या होगा बेटा आंसर, किसका ऑड जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? बोलो सीएल प्लस, बोलो बच्चा लोग, सीएल प्लस, सीएल प्लस, वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज्यादा आएगा बेटा। उसके बाद सर एमएन प्लस 7, अरे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, सीएल प्लस सीएल उसका सेल माइनस। अब सेकंड क्वेश्चन में बताओ बेटा, एमएन प्लस 7, सर एमएन प्लस 7, एमएन प्लस 2, एमएन, वेरी गुड। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बस इतना ही पूछता है बेटा क्वेश्चन में। ऑक्सीजन 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 माइनस टू माइनस वन, बताओ सोडियम प्लस ऑक्सीजन माइनस और एक करते एफ माइनस। अब बताओ तो यहाँ पे रेशियो से सॉल्व होगा, प्रोटॉन कितना बेटा सब में, इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, 11, 8, 9, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा सब में, 10, तो बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन रेशियो को देख के, ये सब कैलकुलेट करना बताया बेटा, बोलो। किसका ज्यादा होगा बेटा जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है जी, सोडियम सोडियम, इतना टाइम लगता है बेटा, 10 11 डिवाइडेड बाय 10, 8 डिवाइडेड बाय 10, 9 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा बेटा, यही आएगा ना ऑर्डर। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से भी क्वेश्चन बन गया बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रेशियो से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो क्लियर है सभी को, जेड इफेक्टिव बना लोगे, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर्म कर लोगे ना बेटा, तो नोट कर लिया क्वेश्चन। नोट कर लो बेटा ये क्वेश्चन, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा। तो ब्रैकेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो इनकरेक्ट है बेटा, बट कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने में ऐसा मान के चलेंगे अप्रोच हम लोग, ठीक है ना बेटा। बाय सभी को बच्चा लोग, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बेटा।